टाइटैनिक की तबाही का कारण उसकी मैदानी टकराव में था। 1912 में जब टाइटैनिक ने अपनी पहली यात्रा पर निकली तो वह सबसे बड़ी और उच्चतम यात्रा जहाज थी, लेकिन 14 अप्रैल 1912 को रात को जब वह समुद्री ध्रुवीय इलाके में था उसने एक बर्फानी आइसबर्ग से टकराया। इस टकराव ने जहाज के बॉयलर परिसर में कई खंड बना दिए और उसकी सुरक्षा तंत्र को कमजोर कर दिया। बॉयलर परिसर में पानी भरने से जहाज धीरे धीरे डूबने लगा और लगभग 3 घंटे बाद 15 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक समुद्र के गहराई में गायब हो गई। इस त्रासदी में लगभग 1500 से अधिक लोगों की मौत हो गई।